वर्तमान स्थिति में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इतने सालों की यात्रा करने के बाद भी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर इन शहीदों को उचित सम्मान दिला सके। हमारी राजनीति अभी तक कहीं परिवारों तक और केवल कुछ नामों तक सीमित रह गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के इस अमर बलिदान को देश तो नहीं भूला, लेकिन राजनीति ने जरूर विसारने का काम किया है, क्योंकि आज हमारे पास एक नाम के कई सारे नोट उपलब्ध हैं, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान के नामों के एक, दो और पांच, छह, सात के भी नोट नहीं उपलब्ध हैं। कर्तव्यों की इतिश्री हमने बहुत कम में कर ली है, और इससे ज्यादा अधिक बुरा तो यह था कि हमने जिन्हें सम्मान नहीं दिया यहां तक तो ठीक था, लेकिन हमने उन्हें अपने विश्वविद्यालयों की पुस्तकों में क्रांतिकारी आतंकवादी शब्द कहकर के पढ़ाया। मैं सोचता हूं कि जब ये आतंकवादी शब्द आज की युवा पीढ़ी पढ़ती होगी तो उसके मन में क्या संदेश जाता होगा। उनके मन में आतंकवादी शब्द को पढ़कर के भगत सिंह को सोचने का नजरिया कैसा बदलता होगा और भगत सिंह को देखने का तरीका क्या बदलता होगा, इस पर एक कविता आपके बीच में मैं पढ़ना चाहता हूं। इसके विरोध में एक कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं कि परम धाम को चला गया फांसी के फंदे हो करके, परम धाम को चला गया फांसी के फंदे हो करके, आजादी की खेती की जिसने बंदूकें बो करके, जिसने ध्रुव तारा बना दिया भारत के सोए तारे को, जिसने यम तक भेज दिया था लाला के हत्यारे को, सूर्य ब्रिटेन का अस्त न होगा। कहा जाता था ब्रिटिशों का कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, सूर्य ब्रिटेन का अस्त न होगा ये भ्रम जिसने तोड़ दिया, असेंबली में इंकलाब कहकर के जिसने बम फोड़ दिया, इंकलाब कहके जिसने बम असेंबली में फोड़ दिया, गांधीवादी आंखों के एकाधिकार के ख्वाबों में, गांधीवादी आंखों के एकाधिकार के ख्वाबों में भगत सिंह को आतंकी कह डाला गया किताबों में, भगत सिंह को आतंकी कह डाला गया किताबों में। गंगोत्री से वंदन, मैं इसको किस दृष्टि से देखता हूं कि प्रतीक देखेगा कि गंगोत्री से वंदन करवाया है गंदे नालों का, गंगोत्री से वंदन करवाया है गंदे नालों का, हमने झूठा इतिहास पढ़ा वृक्षों के धूर्त दलालों का। सुनो युवाओं को कलुषित इतिहास पढ़ाना बंद करो, सुनो युवाओं को कलुषित इतिहास पढ़ाना बंद करो, नागफनी को भारत माँ के शीर्ष चढ़ाना बंद करो, नागफनी को भारत माँ के शीर्ष चढ़ाना बंद करो, जब तक अंतर पता न होगा मरने और शहादत में, जब तक अंतर पता न होगा मरने और शहादत में, राष्ट्रद्रोह के कीड़े तब तक पैदा होंगे भारत में, राष्ट्रद्रोह के कीड़े तब तक पैदा होंगे भारत में। और एक पंक्ति इन 70 सालों के इतिहास के सत्य को गाना चाहता हूँ। प्रखर सत्य का दाग रहेगा चरखे वाली खादी में, प्रखर सत्य का दाग रहेगा चरखे वाली खादी में, केवल गांधी नहीं लड़े थे भारत की आजादी में, केवल गांधी नहीं लड़े थे भारत की आजादी में। बहुत बहुत आभार आप सबका इस कविता को सुनने के लिए। आपसे निवेदन करता हूं कि सत्य को और आगे से आगे बढ़ाए, इस कविता को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।